नमस्कार, मैं हेमल मेहता, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चेयरमैन, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा जो ये साल 19-20 का जो रिजोल्यूशन था, सुदर्शन फार्मा का जो रिजोल्यूशन था, जैसे ही मार्च ख़त्म हुआ और पैंडेमिक सिचुएशन स्टार्ट हुआ, तो हम लोग फायर फाइटिंग के हिसाब से उसके ऊपर लग गए कि भाई कैसे ये सिचुएशन से सॉल्व करें और इंडिया और पूरे वर्ल्ड को कैसे इसमें से बचाया जाए। तुरंत ही हमारी जो टीम थी, रिसर्च टीम थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि जो ये वायरस है उसके लिए हमें इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी से बूस्ट करनी पड़ेगी, और जो रसी की जो प्रिपरेशन हो रही है, जो R&D डिपार्टमेंट वाले और सब बड़ी कंपनियां, फाइजर से लेके बड़ी कंपनियां जो उसके ऊपर वर्क कर रही है, उसके ऊपर ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। और हमें जो तब तक, जब तक रसी नहीं आती है, तो इम्यून अपने को बूस्ट करना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी के लिए हमने 1920 में बहुत काम किया है। जैसे हमारा 2015 से एक जीवन किट करके प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट्स में हमने पूरे तरह के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से इसको बनाया हुआ है। इसमें तीन टाइप की दवाइयां हैं, जीवन सार, जीवन रस और जीवन सुधा। इसमें जैसे आयुर्वेदिक के जो रोग रहते हैं, जैसे आयुर्वेदिक के जो डिटेक्शन रहते हैं, उसमें पोषण, शोषण और रोपण का जो कार्य रहता है, वो जीवन किट की तीनों आयुर्वेदिक टैबलेट करती है। तो उसके लिए उसको जो इम्यून बूस्टिंग चाहिए, आदमी को इम्यून बूस्ट होता है, तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हमारा HEM-D3 करके जो बहुत पुराना प्रोडक्ट है, हमारा 2012 से हमने रजिस्टर किया हुआ है, उसमें विटामिन सी, विटामिन D3 और जिंक उसके साथ हम लोग देते हैं, जिसको हम लोग HEM-D3 टैबलेट बोलते हैं। तो ये जो अपनी जो डेवलपमेंट हुई है, ये सब पहले से 2015 से हमने सोच के ये कि भाई इम्यूनिटी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने आप को बूस्ट करने के लिए आपको इम्यून तो रखना ही पड़ेगा। जैसे रोग आपके पास नहीं आए तो रोग प्रतिकारक शक्तियाँ आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो वो लेवल पर हमने बहुत काम किया। सोशल हमने गैदरिंग भी करवाए। हमारी, आपको पता है, हमारी हार्ट किट लोडिंग डोज, जो लोडिंग डोज ऑफ हार्ट अटैक के टाइम में दी जाने वाली गोलियां हैं, ये हमको पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर भक्तवास आलम जी ने हमें फॉर्मूला बेस किया हुआ है, प्लस हम लोगों ने उसको सेपरेटली डेवलप किया हुआ है। और ऑन टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑफ हार्ट अटैक कैसे इसको लिया जाए, उसके लिए कैंप किए गए हैं, प्लस अवेयरनेस कैंप किए हुए हैं। अवेयरनेस कैंप में क्या होता है, फर्स्ट एड ऑफ हार्ट अटैक, जैसे किसी को पेन होता है, हार्ट अटैक का पेन होता है, तो एकदम शार्प पेनिंग जो हार्ट के अंदर सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है, और उसके लिए आपका लेफ्ट आर्म होता है, उसमें वीकनेस फील होती है, ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, बैक पेन करने लगता है और आपको सेडेशन जैसा आता है, तो वो टाइम पे ये लोडिंग डोज लेना है। और अगर लोडिंग डोज लेने में हम लोग लेट हो गए हैं, तो हमें जो AED मशीन, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर का यूज़ करना पड़ता है, उसका हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। प्लस आदमी को जब बेहोश हो जाता है हार्ट अटैक के हिसाब से या स्ट्रीम उसको अटैक के हिसाब से, तो उसको CPR ट्रेनिंग, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्शनेशन कैसे दिया जाता है, उसका हमने पूरा कैंपेनिंग किया था। मेरे हिसाब से 1100 से ऊपर हमने कैंपेनिंग किए हुए हैं लास्ट ईयर में। उसमें लाइन्स क्लब के साथ हमने वेंचर करके वहाँ पे सबको ट्रेनिंग देके उनके जो भी गैदरिंग होते हैं उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। अदरवाइज पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई और जो है कांदिवली, बोरीवली से लेके खार तक हमने हर एक पुलिस स्टेशन में ट्रेनिंग दी है। रेलवे पुलिस को भी हम लोगों ने ये ट्रेनिंग दिया हुआ है, कैसे उसको अटेंड करें। जो सोशल वर्क जो बोलते हैं, वो हमारी टीम ग्रेजुअली साथ में करती है, जिसमें हमारा सुदर्शन हेल्थ रिसर्च अवेयरनेस ट्रस्ट है, उसमें से हम लोग वो डेवलप करते हैं। आज मैं आपको हमारी जो वर्किंग है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो सोशल हम लोग वर्क कर रहे हैं, समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में। उसके साथ साथ में कंपनी को डेवलप कर रहे हैं। कंपनी को डेवलप करने में के लिए जैसे हम लोग केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स और जो API में लगने वाले इंटरमीडिएट्स होते हैं, उसमें हम लोग अभी आज ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। बिकॉज इंटरनेशनल डिमांड जो हुई है, चाइना का जो रिफ्यूज़ल होके इंडिया को सब बिज़नेस मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया को जो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल
और इंटरमीडिएट्स में बिज़नेस मिल रहा है उसमें आज कंपनी आगे बढ़ रही है। तो केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स में भी हमने बहुत अच्छे काम्स किए हैं। जैसे जैसे ही कोविड आया हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था हैंड सैनिटाइज़र का। हैंड सैनिटाइज़र के बाद में हमने जो जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अपने API लगने वाले हैं उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है। तो जॉब वर्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्लस रिसेंटली हम लोग प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसमें टोटल 56 API केमिकल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स जो डिक्लेयर हुए हैं उसमें से 6 प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट करके उसमें अप्लाई किया हुआ है। उसका जस्ट हमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन आने के बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो पूरी प्रिपरेशन ये साल में हुई है, प्लस हम लोग एक सुदर्शन अक्षर करके एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 51% स्टेक सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रहेगा। वहाँ पे हम लोग 6 प्रोडक्ट का API का प्रोडक्शन नंदेश्वरी यानी कि बड़ौदा में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन के ऊपर जाना हमने फाइनल कर लिया है, डिसीज़न लिया है। और ये साल जो 21-22 आएगा उसमें नया साल में हम लोग उसको पुश करेंगे और 100% एक साल का प्रोडक्शन एरिया हमने जो फाइनल किया है, जो हमने टारगेट फाइनल किया है वो अचीव करने की हमारी पूरी पूरी ताकत रहेगी। तो आज का जो 20 ख़त्म हुआ उसके लिए मुझे ये बोलना है कि जो हमारे रिजोल्यूशन छोटे मोटे बाकी रह गए हैं उसको फुल शोस में आगे बढ़ाना है। प्लस 21-22 का हमारा मेन रिजोल्यूशन ऐसा है कि कुछ ऐसा करें कि समाज में जो ये पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें, उसको जो सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फास्ट करके जितने भी हम लोग हमारे इम्यून बूस्टिंग की जो प्रोसेस है वो सबको बता सके और आगे कंपनी को लेके API जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स हम लोग बनाने वाले हैं उसके लिए जो इंटरमीडिएट्स का हमारा प्लांट है उसमें हम लोग फुल स्ट्रेंथ ले रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स भी हमारा बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में हम लोग इंटरमीडिएट्स और API के लिए हम लोग पैन वर्ल्ड में ट्राई कर रहे हैं। तो उसका भी हमें 21-22 में पूरा रिजल्ट मिलेगा। अभी ज़्यादा यहाँ पे हम नहीं बताते हुए मैं आपको ये बोलूँगा कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हमें अवेयरनेस होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो हमारे कैंपेन हुए हैं वो मेरी वेबसाइट चैनल है, वेबसाइट में भी है, प्लस हमारी यूट्यूब 2 चैनल है जैसे हेल्थ टिप्स निरोगी इंडिया है और सुदर्शन फार्मा की यूट्यूब चैनल है। तो उसमें आप जाके एक बार ये जो हमारे ट्रेनिंग है जो कैंप है वो आप चेक कर सकते हो। उसमें से आपको नॉलेज मिलेगा कि इफ़ अपने घर पे, अपने कैंपस में, अपने ऑफिस में किसी को सडन हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको कैसे ट्रेन, उसको फर्स्ट एड दिया जाएगा, उसको मेडिकेशन कैसे देते हैं, उसको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर कैसे चलाते हैं, CPR ट्रेनिंग कैसे होता है, उसका आप ट्रेनिंग ले लें। और अगर आपके यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो रहा हो आप हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन करेंगे, हमारे जो बॉर्ड लाइन से उसमें फ़ोन करेंगे तो हमारे यहाँ पे जानवी मैडम है पूरा देखती है, वो आपके यहाँ पे जो सोशल गैदरिंग 200 पीपल के ऊपर का रहेगा उसमें फ्री सेवा देंगे। हमारे यहाँ से 5 ट्रेंड स्टाफ आएंगे और आपके यहाँ पे पूरा 15 मिनट का ट्रेनिंग देके जाएंगे। कोई भी आपका फंक्शन रहेगा उसमें हम लोग वो आपको फ्री ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग करके जाएंगे और ये कंपनी की तरफ से और कंपनी के सुदर्शन हेल्थ रिसर्च अवेयरनेस ट्रस्ट की तरफ से फ्री रहेगा। तो आज मैं नए साल की शुभकामना के साथ आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो सुदर्शन फार्मा है सिर्फ अपने ही पूरे दम पे कंपनी जो करना चाहती है और जो सोशल को बेनिफिट होना चाहते हैं वो आपसे अनुरोध है कि आप भी उसमें पार्टिसिपेंट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।